हेलो दोस्तों, आज हम एक डीप डिस्कशन करने वाले हैं यस बैंक के। यस बैंक आज के डेट में सबसे लोअर लेवल को टच कर दिया है और ये दोस्तों 400 के लेवल से हर एक लेवल को तोड़ते जा रहा है। 400 के प्राइस से हर एक लेवल को तोड़ते जा रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी इसमें फंसे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या अभी भी होल्ड करना चाहिए? क्या अभी भी ऐसी कोई उम्मीद है जिससे यस बैंक में प्रॉफिट हो सकती है? तो दोस्तों, यस बैंक के बारे में सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ और डेटा के बेस पे आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यस बैंक ने पहले बहुत सारे इन्वेस्टर को जो है इन्फॉर्म किया था और वहाँ से जो अपना फंड को रेज करने वाला था, लेकिन आज के डेट में दोस्तों यस बैंक खुद जाके म्यूचुअल फंड वालों के सामने बोल रहा है कि भाई मुझे फंड चाहिए करके। एक वो होता है दोस्तों बिजनेस में जिनके पास अपॉर्चुनिटी आती है और ये एक वो होता है जो उनको जाना पड़ता है। जैसे कि यस बैंक अब घर घर जगह जगह पर जाके बोल रहा है कि भाई मुझे फंड रेजिंग करने के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। न्यूज़ आपके सामने है भाई, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप भी इंटरनेट में अगर आप सर्च मारोगे तो मिल जाएगा आपको। तो मैं बोलूंगा यस बैंक से दूर रहना ही ठीक है। अगर मार्केट और एक सप्ताह गिर गया तो यस बैंक का प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए कि दोस्तों यस बैंक का एक हैबिट है कि वो हर एक सपोर्ट को, हर एक लेवल को तोड़ देता है। और फाइनली दोस्तों इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया था, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 30 सितंबर के आसपास जो है इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बनाया था। उसके बाद दोस्तों इसने देख सकते हैं 30 रुपीज़ के प्राइस से 29 आया था, 29 रुपीज़ के प्राइस से 80 रुपीज़ तक गया था और वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने खरीदारी किया था क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़ आ रहा था कि यस बैंक अब फंड रेज कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखा, यस बैंक में दोस्तों ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, जो फैक्ट है, जो डेटा है वही मैं बता रहा हूं। आज तक दोस्तों यस बैंक कैपिटल रेज करने में असफल रहा है। 6 महीने हो गए हैं, आप भी काउंट करके देख सकते हो, 6 मंथ हो चुका है दोस्तों। अगर किसी बिजनेस को बस एक छोटी सी, मान लीजिए इतना बड़ा वो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको थोड़ा अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाता है तो कल को अगर यस बैंक को कुछ और भी होता है तो दोस्तों वो आरकॉम के जैसे बन जाएगा, बिल्कुल आरकॉम के जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि यस बैंक को मत खरीदो, मैं ये बोलूंगा अगर आप मार्केट में प्रॉफिट के इंटेंशन से आए हो, अगर आप मार्केट में पैसे कमाने के लिए आए हो, तो मैं ये बोलूंगा यस बैंक से भी काफी अच्छे अच्छे स्टॉक है जो उससे सस्ते वैल्यूएशन पे आपको अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक मिल जाएगा जहां पर आप अपना जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो यस बैंक को ही खरीदूंगा, मैं ये ठान लिया हूं मेरा पैसा यहां डूबा है तो यहां ही निकालूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आप गलती कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बदला नहीं लिया जा सकता शेयर मार्केट में। यहां पर अपने इंटेलिजेंसी के दम पे पैसा कमा सकते हो लेकिन बदला नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो मैं बोलूंगा दोस्तों अगर यस बैंक, अगर मार्केट और भी गिरता रहा इसी तरह, मान लीजिए कि 2 या 3 सप्ते में, और यस बैंक अगर कैपिटल रेज करने में असफल रहा तो ये आरकॉम का हाल बन जाएगा। और इतना याद रखेगा कि बीच बीच में कभी कभी अपर सर्किट भी आता है, ठीक है, कभी अपर सर्किट भी आता है यस बैंक में, कभी 10% का, कभी 20% का, तो आप उस झांसे में मत आइएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट में, ठीक है, तो चार्ट ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, कल के डेट में अगर यस बैंक में 30% तक की भी अगर तेजी आती है ना, तो मैं बोलूँगा भाई ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ठीक है, 30 या 40% की भी अगर तेजी आ जाती है तो दूर रहिएगा। यस बैंक ने 10 साल के अंदर किसी को प्रॉफिट नहीं दिया। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो भाई हमारे फॉलोअर्स को तो पहले ही 247 रुपीज़ के प्राइस पर बता दिया गया था। हाँ दोस्तों, 247 अराउंड 250 के प्राइस पे ही बता दिया गया था कि यस बैंक गिरने वाला है। जैसे बिलो 200 आया हमने बता दिया था कि यस बैंक डूबने वाला है। अब हमने सबसे पहले ये बताया था यस बैंक का प्राइस गिरने वाला है, दूसरी बात हमने बताया कि यस बैंक डूबने वाला है। ठीक है, तो अब क्या बताया जाए, उसके बाद से लोगों ने इतना जम के खरीदारी किया और इतना नुकसान हुआ, सारा पैसा जो है लगभग डूब गया। ठीक है, तो अगर आप कोई स्टॉक ही खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो यस बैंक की क्यों, आपके पास और भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं ओरिएंट बैंक नाम कि यहां देख सकते हो ओरिएंट बैंक, ठीक है, 40 रुपीज के प्राइस पे आपको मिल रहा है, 14% के इसमें अपर सर्किट पे। खरीदो खरीदो खरीदो, दम भर के खरीदो, इतना खरीदो कि घर भर जाए भाई, घर भर जाए, एक भी शेयर नहीं बचना चाहिए। ऐसी चीज को तो कोई खरीदते ही नहीं है जो सस्ते वैल्यूएशन पे भी मिल रहे हैं, जिसका क्वालिटी भी अच्छा है, कुछ भी, लेकिन नहीं, आपको चाहिए क्या भाई यस बैंक? क्यों चाहिए यस बैंक समझ में नहीं आता। अगर आप प्रॉफिट के
मोटिव से आए हो मार्केट में, तो भाई आप किसी भी स्टॉक में खरीद के पैसा कमा लोगे, लेकिन आपका इंटेंशन ये है कि मैं इसी स्टॉक को खरीदूंगा, तो आप ये गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट में, ठीक है? तो ऐसे बैंक पे फोकस करो दोस्तों जहां पर आपको क्वालिटी अच्छा मिल रहा हो। अब ये देखिए दोस्तों, ये है ओरिएंट बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है? यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स के पास कितना है, 87, अराउंड 90% हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं, ठीक है, 90%। और दोस्तों इसमें 90% है, इसमें अभी जो है इंक्रीज़ किया गया है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ देख सकते हो सितंबर 2018 में दोस्तों, दिसंबर में लास्ट था, उसके बाद जो 2019 में 77% से 87, मतलब कि 10% की जो है इंक्रीमेंट हुई थी दोस्तों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में, ठीक है? तो ये वो बैंक है जिसमें प्रमोटर्स को इतना लगता है कि हाँ भाई मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, पहले जो है इनका 70% था, अब इन्होंने 80% कर लिया अपना होल्डिंग को। और यस बैंक में क्या होता था, जस्ट अपोजिट। यस बैंक में क्या हुआ था, राणा कपूर जी है चाहे जो भी है यार, वो जितने भी अपने हिस्सेदारी है, स्टेक है, सब सेल कर करके निकलते जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको लगता है कि नहीं अब नहीं चलने वाला, कोई तो प्रॉब्लम है यार, कोई तो ऐसी प्रॉब्लम है जो पब्लिक को नहीं बताई जा रही है, जिससे लोगों को यस बैंक में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, ठीक है? अब देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम जब उसको सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे कोरोना वायरस का रूप ले लेता है, और जब कोरोना वायरस आ जाता है तो उसको बनाने के लिए कोई कितने भी क्यों ना पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन उसको बनाने के लिए एक छोटा सा मेडिसिन वो भी फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम को हमें क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसको भी हमें कम से कम सॉल्व कर देना चाहिए, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बेटर रहेगा। और एक चीज़ पर्सनली मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अभी मार्केट शांत नहीं हुआ है, अभी और भी गिरावट होना बाकी है, ठीक है? और भी गिरावट हो सकती है, तो अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका, मर्जी आपका, नुकसान भी होगा तो आपका, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो हर एक स्टॉक का प्राइस आपको जो है छोटे छोटे, मतलब कि आपको और भी अच्छे रेंज में मिल जाएंगे, जिससे आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी के टाइम में आपको क्या करना दोस्तों, इस मार्च के महीने में आपको कम से कम किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हो, तो कम से कम आप अपना कैपिटल लगाओ, पहले सेफ्टी रखो, उसके बाद एटीट्यूड रहना चाहिए। और जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल में, कौन से यूट्यूब चैनल में परफेक्ट व्यू अप मार्केट में, आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, ठीक है? अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये वीडियो में आपको यहाँ देख सकते हैं साफ साफ बोला था, एक शेयर खरीद लो दुनिया पर राज करोगे, धमाकेदार डिविडेंड और बोनस देने वाला शेयर। मैंने ये वीडियो कब बनाया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1 मार्च को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, 1 मार्च को, ठीक है? जिस दिन दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स 1500 पॉइंट जो है टूटा था, उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था। और यहाँ पर आपसे आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, मैंने साफ साफ लिखा है कि धमाकेदार, मतलब जितना खरीदना है भाई खरीद लो, ठीक है? आज के डेट में देखते हैं क्या प्रॉफिट मिला है भाई, प्रॉफिट मिला है कि नहीं, क्योंकि मैं एक दिन पहले बताता हूँ और सही है कि नहीं। आपके सामने सबसे पहले मैंने आपको डेट दिखाया, डेट दिखाने के बाद यहाँ देखिए डेट नीचे है, 1 मार्च को मैंने ये जो है वीडियो पब्लिश किया था। आपके सामने वीडियो में प्ले करके भी दिखा देता हूँ, प्रीवियस प्राइस क्या था, इसका नाम यहाँ पर देख सकते हो BASF, ठीक है? अभी का जो करंट मार्केट प्राइस चला है दोस्तों 1000 के आसपास चला है, 1026 रुपीज के आसपास। और ये कंपनी दोस्तों बोनस और डिविडेंड भर भर के देती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हो तो भूलिएगा मत, मैं बोलता हूँ भाई खरीद लो, भले ही मार्केट गिर रहा हो लेकिन फिर भी तो आपने सुना दोस्तों मैंने क्या बोला, खरीद लो भाई भले ही मार्केट गिर रहा हो। अरे मार्केट गिर रहा हो तो गिरने देना यार, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो उन स्टॉक पे अपना नजर डालना है जहां पर मुझे प्रॉफिट मिलने वाला। अगर मैं उन स्टॉक पे डालूंगा अपना नजर जहां लॉस ही मिल रहा है, तो भाई मुझे भी लॉस मिलेगा, ठीक है? थोड़ा हटके देखना पड़ता है, थोड़ा हटके देखना पड़ता है। उसी तरह यहां पर देखो, मैंने ये भी बोला भले ही मार्केट गिरने दो लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको खरीदना है, ठीक है? देख लीजिए मार्केट तो बहुत दिनों से गिर रहा है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक देखिए आज के डेट में ही, मतलब लास्ट डेट जब मार्केट गिरा दोस्तों, निफ्टी सेंसेक्स जब 1500 पॉइंट गिरा, तब दोस्तों ये स्टॉक में देख सकते हैं 3 पॉइंट का जो है, 3% का इसमें डाउन सर्किट आया है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों इस कंपनी को मतलब जोरदार खरीदारी कीजिएगा कंपनी में, और अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कीजिएगा इस कंपनी का, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने वाला है। भाई भाई, बस बस बस, इतना से पब्लिक को समझ में आ गया होगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? मैंने जब वीडियो अपलोड किया तो दोस्तों यहाँ 1026 रुपीज का प्राइस था, आज के डेट में हम देख लेते हैं
ठीक है दोस्तों, तो मैंने वीडियो अपलोड किया था 1 मार्च को, ठीक है। आज का डेट है दोस्तों 4 मार्च, ठीक है। आज 4 मार्च है, यहाँ पर देख लीजिए यही स्टॉक था ना BASF, आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो 12.91, मतलब कि दोस्तों 13% का अपर सर्किट है। हाईएस्ट प्राइस देख लेते हैं भाई, तो हाईएस्ट प्राइस अगर देख लेते हैं तो 1169, मतलब 1170, ठीक है, और है कितना 40। सोच लो 15% की तेजी आपके हाथ में था, तो मैंने क्या बोला, मार्केट गिरने तो भाई आपको क्या करना है, खरीदना है। तो देखिए आपके हाथ में ही भगवान ने सब कुछ दिया है, आप अपने को बिगाड़ भी सकते हो, आप अपने को बना भी सकते हो। आपको देखना यह है कि आपको ऐसी कंपनी के पीछे भागना है या फिर, समझ गए ना, यस बैंक। भाई मैं ये बोलूंगा यस बैंक गंदा नहीं है, यस बैंक खराब नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई यस बैंक में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ऐसे स्टॉक में भी निवेश कर सकते हो जिसमें आप अच्छा से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई यस बैंक, ये जो स्टॉक आपने बताया BASF, इसका तो भाई 1000 में था, यस बैंक तो 300 में ही मिल रहा था, 200 में भी मिल रहा था। चलो वो भी मैं आपका बात मान लेता हूँ, ये स्टॉक का प्राइस देख रहे हो दोस्तों, पंकज नाम के स्टॉक है, ये कितना 48 रुपीज़ का, ये दोस्तों मैंने जो है 40 रुपीज़ के प्राइस पे लोगों को बताया खरीदने के लिए। बिलीव नहीं है तो आप बस कमेंट कर दे, मैं दूसरा वीडियो उसी पर अपलोड कर देता हूं। भाई देखो आपके हाथ में हर एक चीज है, कैसे पैसा कमाना है, टाइम सबके पास लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा 60 साल जियोगे, 100 साल जी लोगे भगवान की दया से, 100 साल भाई, 100 साल में जो करना है कर लो, या तो अपना नाम बना लो या तो अपना नाम, ठीक है, जो करना है कर लो। तो वही बोल रहा हूँ, गलत स्टॉक में गलत पैसा लगा के अपना टाइम वेस्ट मत करो। यस बैंक वो स्टॉक है जिन्होंने 10 साल में कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया, ये वो स्टॉक है जो आपको कम से कम 3 दिन के अंदर 15% का रिटर्न दिया। आप सोच लो कहाँ पर जाना। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि उनको छोटे स्टॉक और वो स्टॉक चाहिए जो लॉस देने वाला। भाई सुधर जाओ, आपकी लाइफ एक ही बार मिली है, सबको एक ही बार जिंदगी मिला है, थोड़ा अच्छे से काम करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिला, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे पेड सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पेड सर्विस दिया जाता है, आपको डेमो ट्रायल सैंपल जो भी चाहिए वो यूट्यूब में अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाके सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ लेकिन मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको अपना मैंने अपना प्लेटफॉर्म दिखा दिया, अब आपको मेरे प्लेटफॉर्म को जाके पूरा चेक करना है, सर्च करना है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे सर्विस को लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर है दोस्तों, ये व्हाट्सअप का नंबर है, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए आपको रिप्लाई देने में, वहां पर आप वो SMS जाके कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।